नशा मुक्ति अभियान के तहत बुधवार को जिले के बिष्ठान थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां ग्राम मोहबदिया में पुलिस ने कपास फसल के बीच में बोई गई गांजे की खेती पकड़ी है। एसपी ने बताया, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। पुलिस कर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे, जिससे कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। पुलिस ने जब खेत में सर्चिंग की तो कपास की फसल के बीच भारी पैमाने पर गांजे की खेती मिली। मौके से करीब 200 गांजे के हरे पौधे जब्त किए हैं। खेत से पकड़ा गया गांजा करीब 20 लाख रुपए की कीमत का है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मुक्ति के विरुद्ध में लगातार खरगोन पुलिस के द्वारा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली थी बिष्ठान थाना क्षेत्र के मोहबदिया गांव में फसल के बीच में बड़ी संख्या में गांजे की खेती की गई है। वहां पे भी रेड की गई है और रेड कार्यवाही भी संचालित की जा रही है। लोग 200 के आसपास गांजे के जो पेड़ मिले हैं उसमें आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। जहादर नामक व्यक्ति है, तो NDPS के अगेंस्ट में एक बड़ी कार्यवाही है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, डिटेल जानकारी मिलने पर शेयर की जाएगी। कितनी कीमत सर होगी सर पौधों के अंदर? अभी जो प्राइमरी जानकारी मिली है उसमें लगभग 200 से अधिक पौधे हैं। उसकी जो वजन होगा 200 किलो के आसपास वजन होगा। तो बड़ी संख्या में इसका उन्होंने उत्पादन किया था और ये NDPS के अगेंस्ट में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी कल भगवानपुरा क्षेत्र में भी करीब 2.25 क्विंटल गांजे के पेड़ जब्त किए गए थे। तो जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार से जो गांजे की खेती स्थानीय स्तर पर होती है उसकी लगातार जो सूचनाएँ मिल रही है सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब 20 लाख से ऊपर होगा सर 10 हज़ार के भाव से? हाँ, इसका जो ग्रे मार्केट में जो कॉस्ट है उसके हिसाब से ये कॉस्ट हो सकती है। क्योंकि पूरा ऑपरेशन अभी संचालित हो रहा है, तो पूरी कार्रवाई होने के बाद बाकी विवरण शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।